हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 8, यूज ऑफ आर्टिकल ए। तो आर्टिकल ए हम इसमें पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट विथ सम वर्ड्स। वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट्स एंड आर सिंगुलर मस्ट हैव ए बिफोर देम, बट सम वर्ड्स हैविंग साउंड ऑफ वोवल हैव एन बिफोर देम, एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन। तो यानी वो वर्ड्स जो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, तो उन वर्ड से पहले हम ए का यूज करेंगे, और वो वर्ड्स जो हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं, तो उन वर्ड से पहले हम एन का यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनसे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है, जैसे दिस वन इज लॉयन। तो क्या है ए लॉयन? तो ए लॉयन ये क्या है, आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, इसीलिए आपने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया है। ए टाइगर, ए स्नेक, ए मैंगो, ए बुक, ए पीकॉक, ए काउ, ए गॉड। तो क्या है, यहाँ पर जितने भी ये वर्ड्स हैं आपके सब कॉन्सोनेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसीलिए इनमें आर्टिकल ए का यूज किया है। एग्जाम्पल्स यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप होमवर्क में रीड करेंगे। लेट्स कंप्लीट द एक्सरसाइज। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जिनको हमें इसे फिल करना है, जैसे कि ए हैन, ए टाइगर, ए मैंगो, ए पीकॉक, ए बुक, ए कॉक, ए स्नेक, ए गन, ए कॉट। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।